Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। किसी गिरोह को मुसल्ला होकर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, शाह महमूद कुरैशी। बरतानवी शाही जोड़े का लाहौर का दौरा। मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की नई हिकमत अमली। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी, वजीर आजम का अच्छा इकदाम है बिलावल भुट्टो। भारी भरकम स्कूल बैग बच्चों की सेहत के दुश्मन। FATF आइंदा बरस फरवरी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। अदालत का कराची में आवारा कुत्ते पकड़ने का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वोट फॉर पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा, ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम। वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। टेक ऑनरशिप ऑफ कैनेडा फॉर शेयर्ड वैल्यूज एंड ड्रीम्स। वी आर फॉर गिविंग इमिग्रेंट्स द बेस्ट चांस टू सक्सीड इन कैनेडा। आई एम ताहिर गोरा, ऑनर्ड टू रिप्रेजेंट मिसेस सागा मॉल्टन राइडिंग फॉर October 21st फेडरल इलेक्शंस। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you, as a voter, keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes, and fight political correctness. It's time for a change. On election day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca. Swami Kashi Guruji ka kehna hai ki wo aapki tamam samasyaon ka hal jante hain. Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. Aapke depression, family, court problems aur beshumar masail ke hal ka dawa karte hain. स्वामी काशी गुरुजी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खत्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वजीर आजम ने अस खुद एक कदम उठाया है, जबकि पाकिस्तान के दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ईरान बराह रास्त या बिलावास्ता मुजाकरात के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा
कहा कि खित्ते की बिगड़ती हुई सूरतेहाल पर वजीर आजम ने आज खुद एक कदम उठाया है, जबकि पाकिस्तान के दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे वाकयात हुए जिससे तनाव में इजाफा हुआ, चुनाचा पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने ईरान जाने का फैसला किया, क्योंकि उन हालात में ये खित्ता नई कशीदगी का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। आपके इल्म है कि वज़ीर आज़म ने आज खुद एक इनिशिएटिव लिया जब उन्होंने देखा कि खित्ते की सूरत हाल बिगड़ रही है और दो ब्रादर इस्लामी ममालिक में एक कशीदगी जन्म ले रही है, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है या उन चंद ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है जिसके दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक के साथ बहुत गहरे और अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बताया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ना सिर्फ दो ममालिक या खिता ब्लैक दुनिया मुतासिर होती है। इस सोच का सामने रखते हुए वजीर आजम ईरान गए और इस सोच को लेकर कल हम सऊदी अरब जाएंगे और वहां क़यादत की नशस्तें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तुर्की पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है, जबकि उसके शाम के साथ सरहदी मामलात हैं और उसे लाखों पना गुजीनों से निमटना पड़ रहा है। ये खिता पूरा जो है मुतासिर होगा, बल्कि सिर्फ खिता नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकॉनमी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स अगर मुतासिर होते हैं तो आपने देखा कि एक वाकया हुआ, उस वाकये से एक रात में 19% क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई। तो अगर इस किस्म की कशीदगी जन्म लेती तो उसका इम्पैक्ट यकीनन पाकिस्तान पे भी पड़ना था। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर आमद के मौके पर शाही जोड़े का इस्तकबाल गवर्नर और वजीर आला पंजाब ने किया। बरतानवी शाही जोड़े ने लाहौर आमद के मौके पर SOS विलेज में तकरीब में शिरकत की। बाज़ज़ां शाही जोड़े ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी कैट मिडल्टन पाकिस्तान के दौरे के चौथे रोज लाहौर का दौरा कर रहे हैं। लाहौर आमद के मौके पर शाही जोड़े का इस्तकबाल गवर्नर और वजीर आला पंजाब ने किया। बरतानवी शाही जोड़े ने लाहौर आमद के मौके पर SOS विलेज में तकरीब में शिरकत की। बाद अज़ां शाही जोड़े ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शाही जोड़े के खुसूसी इस्तकबाल की तैयारियां की गईं। शाही जोड़ा बादशाही मस्जिद भी गया, जबकि शौकत खानम अस्पताल में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में शिरकत की। शाही जोड़े को लाहौर में सदारती प्रोटोकॉल दिया गया। गुज़िश्ता रोज बरतानवी शाही जोड़े ने चित्राल का दौरा किया। शहजादा विलियम और शहजादी कैट मिडल्टन को रिवायती चित्राली टोपी पहनाई गई। बरतानवी शाही जोड़े ने कोहे हिंदुकश के बर्फपोश पहाड़ों और वहां के खूबसूरत नज़ारों का फजाई जायजा लिया। इसके अलावा शहजादा विलियम और शहजादी कैट मिडल्टन ने मौसमियाती तब्दीलियों से पिघलते हुए ग्लेशियर्स को भी देखा और तश्वीश का इजहार किया। शहजादा विलियम ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर बात करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि हम उन असरात से ये सीखेंगे कि इस आलमगीर तबाही से कैसे निमटना चाहिए और उन तब्दीलियों की रफ्तार को कैसे सुस्त किया जाए। कुछ बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली बना ली और मुज़ाकरात के लिए वजीर दिफा परवेज़ खटक की सरबराही में बनने वाली कमेटी में सीनियर सियासतदानों को भी शामिल करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली बना ली और मुज़ाकरात के लिए वजीर दिफा परवेज़ खटक की सरबराही में बनने वाली कमेटी में सीनियर सियासतदानों को भी शामिल करने का फैसला कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम फे के आज़ादी मार्च के हवाले से वजीर दिफा परवेज़ खटक की सरबराही में चार रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। ज़राए का कहना है कि इजलास में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में चारों सूबों के पार्टी नुमाइंदे शामिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब कमेटी में चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही और असद उमर को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानब सरबरा UI का कहना था कि ना उन्हें किसी हुकूमती कमेटी का इल्म है और ना ही किसी ने उनसे राबता किया है। मुज़ाकरात सिर्फ वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद होंगे। नून लीग की जानिब से मौलाना की तकरीर नशर करने पर
उनकी मजम्मत की गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानूनी और आईनी तौर पर पैमरा की ऐसी कोई शिक नहीं कि मौलाना फजल रहमान की तकरीर पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान कर रखा है। ताहम मार्च में शिरकत के हवाले से दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी का वाज़ह मौकिफ सामने नहीं आया। कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान के ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी करवाने के इकदाम को अच्छा करार देते हुए कहा है कि सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जंग ना हो। ईरान में अगर जंग हुई तो पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान के हुकूमत में आज़ादी मार्च की हिमायत करते हुए कहा है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान के ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी करवाने के इकदाम को अच्छा करार देते हुए कहा कि सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जंग ना हो। ईरान में अगर जंग होगी तो पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। कदम अच्छा है, हम चाहते हैं कि अमन हो। अगर ईरान में जंग होता है, एक और ममालिक जो पाकिस्तान का बॉर्डर पे है, उसका जो असरात पाकिस्तान पे होगा वो आप सब जानते हैं कि बुरा होगा। और तो कदम उस तरीके से अच्छे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है इस एफर्ट के इर्द गिर्द। कुछ पहले कहा गया खुद हमारा वजीर आजम की तरफ से कि अमरीका ने पूछा कि वो ये कदम उठाए, फिर कहा गया कि सऊदी अरब ने पूछा कि ये कदम उठाए, और वहाँ ईरान में पहुँच के कहा गया कि ये कदम मैं खुद उठा रहा हूँ। जिसने भी कहा है, जैसे भी हो रहा है, जो भी हकीकत है, मैं समझता हूँ कि हमारा सबका कोशिश ये होना चाहिए कि जंग ना हो। कुछ बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने आइंदा बरस फरवरी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अब पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला फरवरी 2020 में करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने आइंदा बरस फरवरी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया। साथ ही FATF ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए माली मामलत और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मजीद इकदाम करने की हिदायत कर दी। पेरिस में होने वाले FATF के इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मामलत पर काबू पाने से मुतालिक पाकिस्तान के इकदाम का जायजा लिया गया। तहम इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को आइंदा 4 माह में दहशतगर्दी के लिए माली मामलत और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे से मुतालिक मजीद इकदाम करने होंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसे गुज़िश्ता बरस मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत के खात्मे में गैर मुतमईन इकदाम की वजह से शामिल किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अब पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला फरवरी 2020 में करेगा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. Bhai umma ke muhafizon ne bahut si investments kar rakhi hai wahan. Aage wo log aapke liye haar leke nahi khade. Jab tak inshaallah unko azadi nahi milegi hum unke sath khade rahenge. Do not live in a fool's paradise. Bushra Khan, Tara Tanaka, Kokab Farooqui, Zulfiqar, Tuba Shakil, Tag TV Pakistan.